सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बॉलीवुड से फिर तो सिखां दीआं भावनावां भड़काउण दे दोष लगते आ रहे हैं। इसे तरह का एक नवा मामला फिल्म यारियां टू दे नाल जुड़िया है। यारियां टू का गाना सारे घर हाल ही रिलीज़ होया सी, जिस विच अदाकार मिजान जाफरी नंगे सिर धार्मिक ककार किरपान पहने नजर आ रहे हैं। एसजीपीसी ने इससे सख्त इतराज जताया। एसजीपीसी ने अपनी पोस्ट लिखे कि यारियां टू के सहुरे घर विच प्रकाशित किए गए इन्होंने वीडियोज से असी इतराज जताते हैं, क्योंकि अदाकार इतराजयोग ढंग नाल सिख ककार किरपान पहने नजर आ रहे हैं, जिसन स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री ते क्रिकेटर इमरान खान अदालत वालों वड्डी राहत देंदे कतल केस चो बरी कर दिया गया। अदालत ने उन्होंने खिलाफ हुई FIR नु खारिज किया। इमरान खान के वकील नईम पंजुथा ने एक्सेस की जानकारी साझी की। उन्होंने कहा कि अदालत ने इमरान खिलाफ लगे कतल के दोषों खारिज कर दिया है। नईम पंजुथा ने ट्वीट करते लिखे कि क्वेटा के अंदर बिजली बोर्ड से खान साहब के उपर झूठा मुकदमा लाया गया है। अज वो FIR खारिज हुई है। अज उस मामले में वह बाइज बरी हुई। भारत तो पाकिस्तान गई अंजू का नवा बयान सामने आया, जिस उसका कहना है कि उसने नसरुल्ला नाल ब्याह नहीं करवाया। अंजू ने कहा कि नसरुल्ला ते ओ दोनों वखरे वखरे घर च रह रहे हैं। उसकी मनी ते नसरुल्ला नाल उसका निकाह नहीं होया, सगों मंगनी हुई है। तोहफ्यां दे सवाल ते उसने कहा कि यह पाकिस्तानिया के स्वागत करन दा एक तरीका है, धर्म तब्दीली का फैसला उसका अपना है। बेशक COVID-19 ने इटली नूं भारी नुकसान पहुंचाया, इसके बावजूद इटली ने COVID-19 हरा के खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। हुण करोना वायरस तो बाद इटली में वेस्ट नील नां दे वायरस की चर्चा है। कुछ सूबों में इस संबंधी मरीज भी देखने मिल रहे हैं। यह वायरस एक तरह नाल डेंगू वायरस का ही रूप मनिया जा रहा है, जो कि अफ्रीका तो प्रवास करने वाले पंछियों से मच्छरों तो पैदा होता है। इसके मुढ़ले लक्षणों में बुखार, जो कि 2 से 7 दिन तक रह सकता है। दिल्ली आबकारी मामले च नवा मोड़ आ गया। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने ED के सहायक डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार किया। शराब कारोबारी अमनदीप ढाल तो 5 करोड़ रिश्वत लैण के दोष च खत्री की गिरफ्तारी हुई। अधिकारियों ने दस्सिया कि इन्हां दोवां दे नाल CBI ने एयर इंडिया के एक सहायक जनरल मैनेजर दीपक सांगवान, क्लेरिन होटल एंड रिसोर्ट्स के मुखी कार्यकारी अधिकारी विक्रम दित्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और 2 होरनां नूं गिरफ्तार किया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हाई प्रोफाइल कतल केस के मुलजम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल के उच्च सुरक्षा वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया। कदम 195 करोड़ रुपए के ड्रग केस में उसकी शमूलियत के संबंध में चुकया गया। बिश्नोई को पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था, पर बाद में उसे इस साल अप्रैल में गुजरात अत्तवादी विरोधी दस्ते के हवाले किया गया। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान के संबंधों के साथ कथित नशा तस्करी की गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई। हिजाब सही ढंग ना पहनने कारण एक अध्यापक वालों विद्यार्थियों अद्धा गंजा बनाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। घटना इंडोनेशिया की, इस घटना लैके इंडोनेशिया च बखेड़ा हो गया। इस घटना धार्मिक असहनशीलता के नाल जोड़िया जाए, जिसके नाल ही हंगामे तो बाद दोषी अध्यापक नौकरी तो हटा दिया गया। स्कूल की तरफों पीड़ित कुड़ियों के परिवार वालों तो मुआफी भी मंगी गई है। दस दिए कि सरकारी स्कूल च अध्यापक ने सिर्फ इस गल से 14 कुड़ियों अध गंजा किया, क्योंकि उन्होंने सही ढंग हिजाब नहीं पाया। कनेडा तो एक मनभागी खबर सामने आई, जिथे कार के ट्राले नाल टक्कर होने तो बाद कार नूं अग लगी ते कार नूं चला रहा पंजाबी नौजवान कार विच बुरी तरह सड़ गया। इस हादसे विच नौजवान की मौत हो गई। दस दिए कि कार नूं गुरविंदर सिंह घोतड़ा पुत्र सुरेंद्र सिंह चला रहा सी। गुरशिंदर सिंह का जद्दी घर हलका पुलास दे कस्बा बेगोवाल नेड़े भदास पिंड विच दा है। सुरेंद्र सिंह का पुत्र गुरविंदर सिंह घोतड़ा कनेडा पुलिस विच भर्ती होने संबंधी अकैडमी तो ट्रेनिंग खत्म होने उपरंत अपने घर आ रहा है, जिसकी कार नूं रस्ते विच ट्राले नाल हादसे तो बाद अग लगी। इस दौरान गुरशिंदर सिंह घोतड़ा की मौत हो गई। ब्राजील के पूर्वी बाइयो सूबे की राजधानी सलवाडोर के 3 बच्चों समेत 9 लाशा मिली ने, जानकारी थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दी है। पुलिस ने दसिया कि लाशा सड़ी हुई हालत में मिली ने। मृतकों दी लाशा सलवाडोर के वड्डे मैट्रोपोलिटन खेत्र में माता दी नगरपालिका में 2 नेड़ले घर में मिली ने। गोलियां जख्मी 2 औरतों की लाशा एक घर चो मिली, जदों की बाकी पीड़ितों दी सड़िया लाशा दूजे घर चो बरामद हुई ने। सिविल पुलिस ने कहा कि उन्होंने संभावना तो भी इनकार नहीं किया कि पीड़ितों का पहला कतल किया गया, फिर उन्होंने जिंदा साड़ दिया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार नूं अपील की है कि वह चौलों की बरामद से पाबंदी लाने के फैसले से मुड़ नजरसानी करे। तो कहा कि जो भी विश्व में चौलों कीमतों में वाधे का लाभ लैण का साडे किसानों वास्ते समा आउंदा है तो केंद्र सरकार इस पर पाबंदी लगा देती है, जो वितकरे भरपूर है। इस पाबंदी को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। अकाली दल के प्रधान बासमती चौलों की बरामद से लाई पाबंदी की गल कर रहे हैं, जिसकी कीमत $1200 प्रति मीट्रिक टन है। सरकार का दावा है कि चौलों का वर्गीकरण करके गैर बासमती चौलों की बरामद होना जरूरी है।
पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान बठिंडा च खेडां वतन पंजाब दी सीजन 2 दा उद्घाटन करनगे। उद्घाटनी समारोह शाम 4 बजे तो खेड स्टेडियम विखे होएगा। इस दौरान भगवंत मान वॉलीबॉल दा मैच भी खेडणगे। खेडां वतन पंजाब दीआं विच पहली बार पंजाब दीआं खेडां विच शामिल रगबी खेड भी खिच दा केंद्र रहेगा। इस तों इलावा वॉलीबॉल ते रस्साकसी ते प्रदर्शनी मैच खिच दा केंद्र होणगे। इस तों इलावा फिल्म अभिनेता ते साबका रगबी खिडारी राहुल बोस भी प्रदर्शन करनगे। जेल च उम्र कैद की सजा कट रहे जगतार सिंह हवारा खिलाफ 18 साल पहला खरड़ च दर्ज हुए मामले विच अदालत वल्लों दोष तय किए गए ने। इस केस की सुनवाई 14 सितंबर तो होगी। वधीक जिला ते सैशन जज कृष्ण कुमार सिंगला की अदालत ने खरड़ थाने विच दर्ज केस के आधार ते जगतार सिंह हवारा खिलाफ विस्फोटक ते असला एक्ट तहत दोष आयद किए ने। इस मामले की नियमित सुनवाई 14 सितंबर। अफगानिस्तान विच महिला विरोधी फरमाना की गिनती बढ़ती जा रही है। तालिबानी हुकूमत ने हुन मद बामियान सूबे विच बांदे अमीर नेशनल पार्क विच महिलावां दे जान ते रोक लगा दी है। बांदे अमीर अफगानिस्तान के सब तो लोकप्रिय पार्कों चों इक है। हालांकि अफगानिस्तान विच औरतों के अधिकार नूं सीमित करन दा फैसला कोई नवा नहीं है। बीते महीने ही तालिबान ने ब्यूटी सलून नूं बंद करन दा हुक्म दिता सी। नवे जारी हुक्म विच नैतिकता मंत्री मोहम्मद खाली फनफी ने सुरक्षा बलों तो महिलावां नूं पार्क विच दाखिल होण तों रोकण लई है। पटियाला पुलिस वालों एक नकली पुलिस मुलाजम बन के लोगों को ठगन वाले नौजवान काबू किया गया, जिसका नाम युवराज है, जो कि पटियाला के हलका सनौर के पिंड विशुपुरा का रहने वाला। दोषी नौजवान ने नकली सिपाही की वर्दी पाई हुई सी। अक्सर ही नकली वर्दी पा के रेहड़ी फड़ी वालों से हुक्म मारता से उन्होंने पैसे वसूलता से। दोषी युवराज सिंह के उपर पहला भी सनाम के थाने में नकली पुलिस मुलाजम का मामला दर्ज है। फिलहाल दोषी नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साबका केंद्रीय मंत्री ते संसद मेंबर हरसिमरत कौर बादल ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया। हरसिमरत बादल ने कहा कि पंजाब हड़ा लई 6600 करोड़ रुपए जारी करने लई केंद्र सरकार दा धन्नवाद करदा है, पर ए फंड मदद वजो ना लैण लई पंजाब दे मुख्यमंत्री दी उन्हां निंदा कीती है। पंजाब सरकार नाल गवर्नर दे मुद्दे ते उन्हां कहा कि पंजाब सरकार जानबूझ के पंजाब दी जनता दा ध्यान मौजूदा मुद्दियां ते पंजाब सरकार वल्लों कीते वादे तों भटकाउण लई मुद्दा बना रही है। इस समय पंजाब दे स्कूलां ते सरकारी दफ्तरां दे समें नूं लैके वड्डी खबर है। दरअसल पंजाब सरकार वल्लों रखड़ी दे त्यौहार दे मद्देनजर सूबे भर दे स्कूलां ते सरकारी दफ्तरां दे समें विच कुछ राहत दित्ती गई है। सरकार वल्लों 13 दिसंबर 2022 दी नोटिफिकेशन अनुसार रखड़ी दा त्यौहार 23 अगस्त दिन बुधवार नूं पंजाब सरकार दे सारे दफ्तर ते स्कूलां दी 2 घंटे देरी नाल खुल्लणगे। दस दिए कि सरकारी दफ्तरां दा समां 9 बजे दा, इस लई रखड़ी दे त्यौहार ते 23 अगस्त नूं दफ्तरां दे खुल्लण दा समां 11 बजे होएगा। उथे पंजाब सरकार वल्लों जारी नोटिफिकेशन अनुसार सारे स्कूलों का समा सवेरे 8 बजे जो 30 अगस्त नूं सवेरे 10 बजे। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।